हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैन्योर्स के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो मैन्योर्स क्या होता है कि ये प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है जिसको हम एज ए प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गया, मैन्योर्स आर द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट डेट आर यूज एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसके लिए हम उसको डायरेक्टली यूज़ तो कर नहीं सकते वेस्ट को, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जो वेस्ट है उसको डिकम्पोजर के हेल्प से उसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिकम्पोज कराते हैं। ठीक है, और वो डिकम्पोज करके क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करता है। सो ये जो मैन्योर्स हैं वो न्यूट्रिएंट को जल्दी से रिलीज़ कर देते हैं, या फिर टाइम लगाते हैं, या फिर ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, या फिर बहुत कम अमाउंट में करते हैं। इस बेसिस पे जो मैन्योर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और सेकेंड कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब क्या हुआ कि ये बल्क में होंगे, मतलब इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, यानी लार्ज क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का कहने का क्या मतलब है कि इसका जो क्वांटिटी होगा वो कम होगा। ठीक है, और भी इसमें डिफरेंस है, जैसे क्या, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में क्या कहा जाता है कि ये हम बल्क में यूज़ करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन इनका सिर्फ वॉल्यूम ही ज़्यादा होता है। अगर इसमें हम न्यूट्रिएंट अगर देखें तो वो कम होगा। ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल क्या, FYM हो गया, यानी फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ये सारे बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जांपल्स हो गए। जस्ट ऑपोजिट अगर कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम अमाउंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम जितने ऑयल केक्स देखते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में आते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर इम्पॉर्टेंट है कि कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर इम्पॉर्टेंट है, या फिर अगर सॉइल के अगर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखें, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसको सबसे अच्छे से मेंटेन करके कौन रखता है। तो यही एडवांटेजेस के अंदर आता है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स के, कि जो हम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट यानी NPK का ही सप्लाई नहीं करता है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सल्फर, कैल्शियम वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं NPK के अलोंग विथ, मतलब NPK के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। दूसरा है कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में हम प्रॉपर तो ये नहीं डाल रहे, कोई न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे, हम एज अ बल्क पूरा क्या डाल रहे हैं, वेस्ट डाल रहे हैं। तो ये क्या करता है, सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, इन्हांस करता है। सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, इन सब सारे चीज़ को क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, जो थर्ड एडवांटेज है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का है कि ये जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे रिलीज करता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि लॉस होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई फर्टिलाइज़र है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं और वो हमने फील्ड में डाल दिया, तो क्या होगा कि वो जल्दी से रिलीज आउट हो जाएगा। अब जल्दी से रिलीज आउट तो हो गया, ठीक है, उसने सॉइल में रिलीज़ कर दिया, क्या प्लांट की कैपेसिटी है उतना जल्दी उसको अपटेक करने का, तो प्लांट जितना तो अपटेक कर पाएगा उतने टाइम में वो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो रेस्ट रहेगा वो पानी के साथ क्या कर जाएगा, कहीं पर लीच आउट हो जाएगा, तो बर्बादी होता है। ठीक है, कंसेंट्रेटेड के केस में, ठीक है, यानी फर्टिलाइजर्स के केस में। लेकिन अगर हम बात करें FYM यानी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में, तो इसमें लॉसेस कम होता है, क्यों, ये बहुत ही स्लो रिलीज होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट एडवांटेज है वो है कंट्रोल प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स एंड फंजाई। ये जो सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी को तो इन्हांस कर ही रहा है, और साथ साथ जो प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड होते हैं जो सॉइल में, जो उसके रूट में जाके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और प्लांट को हार्म करते हैं, और फंगस जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर ठीक है, न्यूट्रिशन धीरे धीरे देता है, ठीक है, जिससे लॉस बच रहा है वो एक एडवांटेज हो गया। और ओवरऑल बात मिला के क्या है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये बहुत सारा इसका एडवांटेजेस है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करने का। तो इसीलिए इन तीन एग्जांपल्स को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया FYM, दूसरा बताया कॉम्पोस्ट, और थर्ड बताया ग्रीन मैन्योर। तो आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है FYM के ऊपर, यानी इसमें हम पढ़ेंगे FYM क्या होता है, FYM को प्रिपेयर कैसे करते हैं, और FYM बनता है तो उसका ऑप्टिमम कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, तो FYM का मतलब क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर, इसका मतलब क्या होता है, डिकम्पोज मिक्सचर होता है, किसका, डंग का, यूरिन का, फार्म एनिमल्स का, मतलब
फार्म एनिमल्स के डंग और यूरिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो FYM refers to the decomposed mixture of dung and urine of farm animals। यहाँ पे क्या बोला गया है, decomposed mixture, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि डंग और यूरिन को मिला दिया गया तो वो क्या बन जाएगा, FYM बन जाएगा, ऐसा नहीं है। FYM में डंग और यूरिन क्या होना चाहिए, डिकम्पोज होना चाहिए। तो क्या सिर्फ डंग और यूरिन मतलब एक्सक्रीटा ही नहीं, साथ साथ जो लीटर्स हैं या फिर लेफ्ट ओवर हैं फॉडर्स के, मतलब कैटल को जो खाना देते हैं उनका जो बचा हुआ पार्ट है, वो सारा भी क्या होता है FYM में, हम उससे FYM बना सकते हैं। यानी ओवरऑल ऑफ जो डेफिनेशन FYM का क्या है, इट रेफर्स टू द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल्स अलॉन्ग विद द लिटर एंड लेफ्ट ओवर मटेरियल फ्रॉम द रफेजेस और फॉडर्स फेड टू द कैटल, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब FYM को हम यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है NPK उनको प्रोवाइड करता है। यानी NPK नाइट्रोजन देता है 0.5%, फॉस्फोरस देता है 0.2% और पोटेशियम देता है 0.5%। यानी अगर 1 kg FYM यूज़ करेंगे तो 0.5%, ठीक है, नाइट्रोजन देगा, फॉस्फोरस 0.2% देगा और पोटेशियम 0.5% देगा। इसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि FYM में सिर्फ जो डिकम्पोज FYM है वही नहीं, जो हमारा यूरिन पार्ट है जो कैटल्स का यानी फार्म एनिमल्स का, उनमें भी नाइट्रोजन और पोटेशियम का जो क्वांटिटी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। नाइट्रोजन जो हम जानते हैं कि यूरिन में यूरिया होता है और यूरिया इज़ द गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यूरिन जो है एनिमल्स का, फार्म एनिमल्स का, उसमें 1% तक नाइट्रोजन पाया जाता है और पोटेशियम 1.35% तक, ठीक है। लेकिन क्या है, यूरिया जो प्रेजेंट है यूरिन में वो क्या हो जाता है, वोलेटलाइज हो जाता है, मतलब ईजिली उड़ जाता है। तो अब इस उड़ने को तो हम रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए ये जो लॉसेज हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल है अवॉइड करना, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इम्प्रूव मेथड ला सकते हैं जिससे हम FYM के जो लॉसेज हो रहे हैं यानी यूरिया का जो लॉस हो रहा है उसको हम कुछ हद तक क्या कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे बेस्ट स्टेप्स कि हम किन कैसे FYM को बनाएं, ठीक है। तो बेसिकली जो FYM बनाने का जो स्टेप है वो उसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमें ट्रेंचेस बनाना है, ठीक है, ट्रेंचेस मतलब गड्ढे। तो ऑप्टिमम जो डेप्थ होना चाहिए या फिर लेंथ ब्रेथ होना चाहिए वो होना चाहिए लेंथ 6 मीटर टू 7.5 मीटर, ठीक है, ब्रेथ 2 मीटर, और जो उसका हाइट होना चाहिए यानी डेप्थ होना चाहिए ट्रेंच का वो 1 मीटर का होना चाहिए। सबसे पहले हम ट्रेंच बनाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम मिक्सचर प्रिपरेशन करेंगे। मिक्सचर किसका, जो मैंने जस्ट बताया FYM किससे बनता है, लीटर से, डंग से और सॉइल को मिला के इसका मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। अब वो मिक्सचर को क्या करेंगे, हम जहाँ पे कैटल रहती है उसके शेड में जाके वहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। उससे क्या होगा कि देखो अभी तक हमने डंग मिलाया, लीटर मिलाया, सॉइल मिलाया, यूरिन नहीं मिलाया, तो जो उस दिन जो यूरिन आएगा फार्म एनिमल से वो क्या करेगा, उसको सोक कर ले, मतलब यूरिन को क्या करेगा, ये जो मिक्सचर है वो क्या कर लेगा, सोक कर लेगा, कंप्लीट डे तक छोड़ देंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो यूरिन सोक मिक्सचर है उसको कलेक्ट करेंगे और उसको ट्रेंच में, ये हमने जो गड्ढा खोदा है उसको हम एक एंड से, मतलब ट्रेंच तो हमारा कैसा, क्यूबॉइडल शेप का है, तो एक एंड पे उसको क्या करेंगे, डेली बेसिस पे फिल करते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि कंप्लीटली लेगा और उसको पूरे ट्रेंच में स्प्रेड कर दिया, एक जगह पे हम क्या करेंगे उसको, मतलब एक एंड पे, एक जिसको हम सेक्शन बोल रहे हैं, मतलब ट्रेंच के एक सेक्शन पे उसको क्या करेंगे, फिल करना स्टार्ट करेंगे ऑन डेली बेसिस। यही काम करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को रेगुलरली रोज़ ऐसा ऐसा करेंगे कि हम जो यूरिन सोक मिक्सचर है उसको कलेक्ट करके एक सेक्शन में लगाते जाएंगे। ये कब तक करना है, जब तक वो जो पाइल है यानी जो बड़ा सा जो ढेर है वो जमीन यानी गड्ढे से 60 सेंटीमीटर ऊपर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो जब इसको कब तक, उस सेक्शन को कब तक भरते रहना है, जब तक 60 सेंटीमीटर ग्राउंड के लेवल के ऊपर तक नहीं आ जाता है वो, और वो जब हीप बन जाएगा यानी जो उभार बन जाएगा उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में प्लास्टरिंग कर देंगे काउडंग अर्थ स्लरी से, ठीक है। काउडंग और मिट्टी का क्या बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे और उसको अच्छे से कवर कर देंगे ऊपर से, ठीक है। तो एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद उसी ट्रेंच में उसके बगल में सेम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम उस ट्रेंच को कम्प्लीटली फिल कर देंगे और उसके बाद हम सेकंड ट्रेंच बनाएंगे, सेकंड ट्रेंच में ये काम करेंगे। और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है कि 4 to 5 months में हमारा जो मैन्योर है वो तैयार हो जाएगा, 4 to 5 months का प्लास्टरिंग के, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हम इसे सेक्शन वाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मर को ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद FYM चाहिए होता है, उसको रेगुलर बेसिस पे चाहिए फार्मर को।
तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज करेंगे ताकि हमारा एक सेक्शन जब तक तैयार होगा तब तक हम लास्ट वाले सेक्शन को लगा रहे होंगे। मतलब हम एक सेक्शन अभी तैयार हो रहा है तो दूसरा सेक्शन हम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरा सेक्शन फिर लगाएंगे, जब तक हम तीसरा स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर एंड कर रहे होंगे तो फर्स्ट वाला रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, FYM को बेस्ट वे में प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी इससे पहले हम देखते हैं वो जो मैं पाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम इस तरीके से एक हीप बनाते जाते हैं, ठीक है, मतलब उस ट्रेंच के अंदर हीप बनाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है जो हम सबसे नीचे जो है शुगर केन स्टॉक्स या फिर ट्विग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, मतलब हम मतलब कंपोस्ट में ही करते हैं, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ कि नीचे ऐसे कुछ प्लांट मटेरियल का हम लोग नीचे यूज़ कर देते हैं जो हम एनिमल्स को फॉडर दे रहे हैं, ऐसा हम कुछ लगा देते हैं जिसमें एरेशन ईजिली पॉसिबल हो। तो सबसे नीचे क्या करते हैं, शुगर केन स्टॉक्स वगैरह या फिर से जिसको हम क्या कहते हैं हस्क वगैरह का हम यूज़ करते हैं जिसमें प्रॉपर एरेशन हो सके, ठीक है। उसके ऊपर हम जिस तरीके से हमारा वेस्ट है उसको हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है FYM के रिगार्डिंग ही, मतलब FYM का जो एडवांस्ड वर्जन है यानी इनरिच्ड FYM, उसके बारे में। तो इनरिच्ड FYM नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, इनरिचमेंट है, मतलब FYM को क्या किया गया, इनरिच किया गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं और सम केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे हम पार्सली क्या करेंगे केमिकल प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स को हम पार्सली डिकम्पोज्ड FYM में हम डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारा लॉस है जैसे मैंने बताया था यूरिया का लॉस होता है, ठीक है, उसको बचा मतलब कम कर पाएंगे। और दूसरा है कि हम FYM को इनरिच कर पाएंगे, लाइक जैसे हम क्या क्या मिलाते हैं इसमें, जिप्सम मिलाते हैं और सुपर फॉस्फेट्स मिलाते हैं। जिप्सम कब मिलाते हैं, मैंने बताया ना कि हम जब सेकंड स्टेप में क्या कर रहे थे इसको, कि हमने इसको लिटर को डंग को सॉइल को स्प्रेड कर दिया था जो हमारा फार्म एनिमल है उसके सेड में, ठीक है। तो वहीं पर हम जिप्सम को स्प्रेड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो जिप्सम है वो जो फार्म एनिमल्स के यूरिन में मिल जाता है और जो लॉस हो रहा है वोलेटलाइजेशन से उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और साथ साथ सिर्फ ये प्रिवेंशन ही नहीं, इनरिच कर रहा है कैसे, जो जिप्सम हम जानते हैं कैल्शियम और सल्फर का अच्छा सोर्स है, तो साथ साथ कैल्शियम और सल्फर को भी ऐड कर देता है हमारे FYM में। सेकेंड है सुपर फॉस्फेट, तो सुपर फॉस्फेट का भी सिमिलर फंक्शन है और सेम तरीके से यूज़ करते हैं, और ये साथ साथ क्या करता है, फॉस्फोरस का कंसनट्रेशन बढ़ा देता है हमारे FYM में। अगला जो पॉइंट है कि नाइट्रोजन कंटेंट जो FYM में होता है वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होगा FYM में उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगा FYM बनने का। तो इसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हम FYM कर ही क्यों रहे हैं कि हमें नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए, तो हम ऊपर से नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते नहीं है। ये बताने का इतना ही मतलब है कि हम ऐसे सोर्सेज का यूज़ करें FYM में जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट हम जानते हैं कि ज़्यादा होता है, जैसे हम लेग्यूम के जो लेफ्ट ओवर हैं अगर उनको यूज़ करेंगे तो उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो टर्म आता है, फुली डिकम्पोज्ड FYM और दूसरा है पार्शियली डिकम्पोज्ड FYM। तो फुली डिकम्पोज्ड FYM को हम मतलब सोइंग के एक दो दिन पहले या फिर कह सकते हैं कि सोइंग के एक दिन पहले भी हम मतलब यूज़ कर सकते हैं और उसको फ्लो करके साथ साथ मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन जो पार्शियली डिकम्पोज्ड FYM होता है उसको 3 से 4 वीक पहले हमें मतलब सोइंग के 3 से 4 वीक पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको सॉइल के साथ मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो पार्शियली डिकम्पोज्ड है उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए क्या करने, डिकम्पोज करने के लिए और न्यूट्रिएंट को बहुत स्लोली रिलीज करने के लिए। और जो ऑप्टिमम या फिर रिकमेंडेड डोज है FYM का वो है 10 to 20 tons पर हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन अगर ये वेजिटेबल्स में अगर आप काउंट करें तो मोर देन 20 tons पर हेक्टेयर रिकमेंड किया जाता है। और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम FYM को यूज़ करते हैं सॉइल में तो उसको साथ साथ फ्लो करके सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम FYM को सॉइल में मिक्स करते हैं तो FYM ह्यूमस के साथ मिक्स होकर क्या कर देता है, नाइट्रोजन को इमोबिलाइज कर देता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमें जब भी कोई सोइंग करनी है, फॉर एग्जांपल बेस्ट वेजिटेबल्स के केस में, तो हमें FYM को पहले यानी 15 डेज पहले क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। रीज़न ये है कि हमने जैसे अभी डाला तो ह्यूमस के साथ क्या होगा, वो मिक्स करके तो इमोबिलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, फिर नाइट्रोजन कुछ टाइम लेके क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज आउट होगा। तो एग्जांपल क्या है वेजिटेबल्स का, जैसे पोटैटोज हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कैरोट, रेडिश, अनियन और टोमेटोज, मैक्सिमम ऑफ द एग्जांपल क्या है, वो ट्यूबर क्रॉप्स हैं, ट्यूबर क्रॉप्स कह सकते हैं या फिर ऐसे क्रॉप्स जो कि ज़मीन के नीचे हो रहे हैं। तो मैक्सिमम हम जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए हम जो FYM है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें लेग्यूम क्रॉप लगाना है तो FYM जो है वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि
जो लेग्यूम क्रॉप है उनको नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और पोटेशियम और फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए, जो कि इतना स्लो रिलीज होता है और लेग्यूम का पोटेशियम और फॉस्फोरस का अपटेक फास्ट है, जो कि उनको टाइमली न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाता, मतलब लेस बेनिफिटेड है FIM लेग्यूम्स के केस में। और जो हमारा इसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है कि अगर हम कंटिन्यूस 4 to 5 ईयर्स 15 टन्स पर हेक्टेयर का अगर हम FIM यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सॉयल में जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है बहुत अच्छे हद तक वो बढ़ सकता है। जैसे हमारा जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है 4 साल बाद अगर हम 15 टन्स पर हेक्टेयर कंटिन्यूसली अगर यूज़ कर रहे हैं FIM को, तो टोटल नाइट्रोजन कंसंट्रेशन 17 to 24% बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन का जो लेवल है वो 13 to 26% बढ़ जाएगा। फॉस्फोरस जो है 67 to 85% बढ़ जाएगा और पोटेशियम जो है 42 to 79% बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम इतना न्यूट्रिशन तो देख रहे हैं कि हमारा जो सॉइल जो है न्यूट्रिएंट वाइज क्या हो रहा है, रिक्लेमेट हो रहा है, इसीलिए हम 100% यूरिया सोर्स नाइट्रोजन का ना यूज़ करें। उससे हम बेटर रिकमेंड करते हैं कि 15% FIM यूज़ करो नाइट्रोजन सोर्स के लिए और 50% क्या यूज़ करो, यूरिया यूज़ करो, ठीक है। और एक चीज़ लास्ट जो है इसमें कि अगर हमने आज FIM यूज़ कर दिया फील्ड में तो हम जो फर्स्ट क्रॉप सो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली जो न्यूट्रिशन FIM से होगा उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। ओनली 30% ऑफ नाइट्रोजन यूज़ हो पाता है क्योंकि हम जानते हैं वो इमोबलाइज हो रहा है सॉइल में तो स्लोली रिलीज होगा, ठीक है। फॉस्फोरस 60 to 70% ही यूज़ कर पाता है फर्स्ट क्रॉप और 70% ऑफ दी पोटेशियम यूज़ कर पाता है, क्योंकि NPK जो है वो क्या होता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी FIM के केस में क्या होता है, बहुत ही स्लोली रिलीज होता है। तो आई होप आज का लेक्चर सबको क्लियर है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ही फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी वीडियोज़ की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब दी चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। अगर किसी को इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकता है। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।